बात करने का मतलब इस टाइम प्रॉपर्टी में भाई जी अभी तो ना हो बेहतर है। ये रियल स्टेट क्या होता है वो हमें बताएगा कि रियल स्टेट क्या होता है, फिर हम आगे आपको बता देंगे। लेकिन जो लोग होते हैं मेरी तरह वेले मस्टंडे, उनका भाई साहब कोई हॉलीडे नहीं होता। ठंडे ठंडे कूल कूल होके जाएंगे इस पे, हम बैठ के नहीं बल्कि खड़े होके जाएंगे। मेरा दोस्त भुखियां दी तरह पै गया हो, देखो किस तरह की प्रॉपर्टी की। पप्पे का फोन आ गया, होल्ड कर। इससे का तो सोचना ही नहीं है ना पाकिस्तान। मामा बीच में लोग ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हैं? उसकी हरकतों की वजह से सारा पानी मेरे मुंह से ही बाहर निकला है इस तरह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई साहब आज है संडे। संडे बोले तो हॉलीडे। भाई साहब हॉलीडे बोले तो सिर्फ उन लोगों का हॉलीडे जो जॉब पर्सन होते हैं, जो हफ्ते की 6 दिन काम करते हैं तो उनका हॉलीडे होता है। लेकिन जो लोग होते हैं मेरी तरह वेले मस्टंडे, उनका भाई साहब कोई हॉलीडे नहीं होता। अगर हो तो उनके 10 के 10 दिन हॉलीडे हो जाते हैं, अगर हॉलीडे ना हो तो भाई साहब पूरा महीना उनका वर्किंग डे हो जाता है। भाई साहब आज के दिन कुछ प्लान बनाया था मैंने। प्लान ये बनाया था कि यार आज के दिन फजूल वक्त ज़ाया ना की जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए, कुछ मालूमात हासिल की जाए और आप तक भी पहुँचाई जाए। तो भाई साहब उन मालूमात को हासिल करने के लिए, उन इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमें थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा। सफ़र बोले तो वो वाला सफ़र नहीं, सफ़र बोले तो ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई साहब सफ़र करके, यानी कि सफ़र बोले तो ट्रैवल करके हम जाएंगे कहाँ पे? हम जाएंगे अपने दोस्त के दफ्तर में। मेरे दोस्त ने प्रॉपर्टी का दफ्तर बनाया हुआ है भाई साहब, हम उसके पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि ये रियल स्टेट क्या होता है। वो हमें बताएगा कि रियल स्टेट क्या होता है, फिर हम आगे आपको बता देंगे। तो क्या ख्याल है भाई, फिर चलें? चलो फिर चलते हैं। यार फ्रेश टोकन लेके आपका भाई ऑरेंज लाइन ट्रेन में सवार होने लगा है। आज आपका भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। फ़ायदा तो लेना चाहिए ना यार, बाइक पे बंदा ना अमीर रुल जाता है, गंदा हो जाता है। सिर्फ यार 2 मिनट लेट होने की वजह से ट्रेन जो है ना उसके दरवाजे बंद हो गए हैं, निकलने लगी है। 2 मिनट नहीं बल्कि 2 सेकंड लेट होने की वजह से। अब अगली ट्रेन जो है ना उस पर बैठूंगा मैं अगली। यार ट्रेन तो निकल गई है ये वाली, चलें जब तक दूसरी ट्रेन आती है तब तक मैं आपको थोड़ी सी देर से ना नज़ारे करवाता हूँ। नज़ारे देखें आप। भाई कितना इंतज़ार कराओगी यार, आ ही नहीं रही यार, इतनी देर हो गई है, 3-4 मिनट हो गए हैं, आ ही नहीं रही। अच्छा यार जब तक ट्रेन आती है ना तब तक मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ से जाना है ऑरेंज लाइन ट्रेन पे जाऊँगा बैठ के आगे इसके ना लास्ट वाले स्टॉप पे आ गई, मेरे ख्याल से आ गई। लास्ट वाले स्टॉप पे उतर के आगे स्पीडो बस पकड़ूंगा, आ गई। यार ये तो परली साइड वाली आई है, मेरी साइड वाली नहीं आई। मेरी साइड वाली आती है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। लो भाई साहब मेरी वाली भी आ गई, मेरी वाली भी आ गई। इसके आप बैठेंगे हम अंदर, ठंडे ठंडे कूल कूल होके जाएंगे इस पे, हम बैठ के नहीं बल्कि खड़े होके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई पहुंच चुका है, बस में खज्जल होता जैसा कि आप देख चुके हैं। तो अब आपका भाई जो है ना उसको दोस्त ने पिक कर ली है। दोस्त मुझे लेने के लिए आया था यार, बड़ी मेहरबानी इसकी से, दोस्ती का हक अदा करता है ये बेचारा। ये मुझे
मुझे लेने आया था, अब इसको मैंने डिमांड डाली कि यार उन्होंने भूख भी लागी तो उसको आ दिया, तो ये अब मुझे लेके जा रहा है कुछ खिलाने पिलाने, देखते हैं क्या खिलाता है। अब मेरा दोस्त मुझे कुछ खिलाने पिलाने के लिए लेके आया, तो अब हम बिरयानी खाने लगे हैं। बिरयानी आती है तो यार आपको भी दिखाते हैं। फिलहाल तो मेरा मुँह जो है ना वो पानी से पूरी खराब है, तो आप देखोगे आपका मुँह भी पानी से भर जाएगा। लो जी गाइस, बिरयानी शिरयानी आ गई है, मेरा दोस्त भुखियाँ की तरह पै गया, वो देखो। लो भाई साहब, खाना शाना खा के पेट पूजा करके आपका भाई डकार मार के पहुंचा है लोकेशन के ऊपर। एक पूर सुकून सी साइड के ऊपर मेरा दोस्त मुझे ले आया है यहाँ पे, वो मुझे थोड़ा सा गाइड करेगा प्रॉपर्टी के बारे में, थोड़ा सा मुझे बैरियर टाउन की हिस्ट्री बताएगा और मुझे ये बताएगा कि यार ये इस वक्त हमें अगर बैरियर टाउन में या किसी भी जगह पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो तो क्या अभी हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके साथ यार हम इससे ये भी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भाई बंदा प्लॉट तो ले लेता है लेकिन अगर उसने उसके ऊपर इमारत खड़ी करनी हो तो इमारत खड़ी करने में क्या मामलात होते हैं और कितने खर्चे खुर्चे होते हैं उस पर। तो भाई साहब अब पूछते हैं साकिब से, उसको कहते हैं आज टाइम को ज़ाया किए बगैर हमें थोड़ा सा गाइड कर दे, थोड़ा सा हमें बता दे ताकि हमारे गाइस को भी कुछ ना कुछ पता चल जाए। यार बोंगियाँ मारने से बेहतर है मैंने आज सोचा गाइस को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो गाइस लो फिर इन्फॉर्मेशन, ये सामने खड़ी है आपके इन्फॉर्मेशन की दुकान। हाँ भाई साकिब साहब, बताना शुरू करें फिर आप। अच्छा यार बैरिया में, बैरिया के मुतालिक आप पूछना चाह रहे हो ना? हाँ बैरिया टाउन, बैरिया टाउन से मुतालिक, आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की। पप्पे का फोन आ गया जरा होल्ड कर। अच्छा आज जैसे कि जुनेद आपका शुक्रिया यार, आप भाई मेरे पास आए। चलो भाई देखो, बैरिया एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको सोचना नहीं चाहिए। बैरिया जो भी चीज देता है ना वो ऑथोराइज देता है, उसके अंदर फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। जैसे कि पीछे कुछ सोसाइटीज में पिछले दिनों काफी लाहौर के अंदर खबरें चली थी, काफी वो फ्रॉड हुए, काफी स्कैम हुए। यार इस टाइम जो वक्त है ना वो बहरहाल टैक्सेस की वजह से काफी ज्यादा ना प्रॉपर्टी डाउन हो गई है। कम से कम भी 70% लोग तो भाई जी डेड हो गए हैं प्रॉपर्टी में। जिनके कोई अपने जाती प्लॉट पड़े हैं तो वो तो ठीक है, जिनके दोस्तों के, जिनके फ्रेंड्स के, कजन्स के प्लॉट हैं वो तो भाई जी आगे ये होता था कमीशन ले ली, वहाँ से बिकवा दिया। मैं खुद यही चीज़ करता था, अपने दोस्त का बिकवा दिया। ये भी मेरे दोस्त के प्लॉट्स पड़े हुए हैं, 3 प्लॉट हैं ये, 10-10 पड़ लेंगे। बात करने का मतलब इस टाइम प्रॉपर्टी में भाई जी अभी तो ना हो बेहतर है। प्रॉपर्टी अभी कम से कम जब तक आपकी कोई गवर्नमेंट नहीं ना आती, गवर्नमेंट जब तक आएगी स्टेबल होगी तब आप लेना। आपका भी डॉलर इतना ऊपर चला गया उसकी वजह से टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। अच्छा हमको सिखा रही है। अच्छा यार साकिब तू ये बता कि प्लॉट तो हम ले लेते हैं, सस्ते होंगे तब ले लेंगे, महंगे होंगे अभी नहीं लेते, सस्ते हो जाएंगे हम तब ले लेंगे। सस्ते का तो सोचना ही नहीं है ना पाकिस्तान। मामा बीच में ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हैं। अच्छा साकिब तूने प्लॉट्स की तो इन्फॉर्मेशन दे दी है कि प्लॉट्स जो हैं इस वक्त नहीं खरीदने चाहिए। बेशक ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, आंखें बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल प्लॉट जो है ना उनकी कीमतें टैक्सेस की वजह से बढ़ गई हैं, तो तूने हमें बता दिया, हमें समझ भी लग गई। लेकिन तू हमें ये भी साथ साथ बता भाई कि प्लॉट अगर हम ले लेते हैं, ये जगह सस्ती होती है और हम प्लॉट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 मरले का हम प्लॉट ले लेते हैं,
तो प्लॉट लेने के बाद के जो हमारे अखराजात होंगे, अगर हम यहाँ पे रहना चाह रहे हैं, यहाँ पे मतलब अपनी अपनी जात के लिए लेना चाह रहे हैं, तो प्लॉट बनाने के बाद के जो खर्चे होंगे वो 5 मरले का अगर हम घर बनाते हैं तो उसके ऊपर कितना खर्चा आ जाएगा डबल स्टोरी घर के ऊपर? डबल स्टोरी के घर के ऊपर ना पता क्या चीज़ है, ये मटेरियल डबल महंगा हो गया है, जितना भी है ना जुनेद तू मेरी बात सुन रहा, डबल महंगा होने के पहले पता क्या था मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का, तुझे पता कंपनी ईंट जो थी ना पहले 10,000 रुपये पे, वो आपकी चली गई 14,000 रुपये पे, जो सीमेंट का बैग था 800 का वो आपका 1100 रुपये पे चला गया, डबल ट्रिपल खर्चा आ गया। पहले जो घर का सिंगल पोर्शन पे आता था वो 60 लाख 65 लाख के अंदर आपका एक पोर्शन तैयार होता था, 5 मरले का। अब जो है ना, अब इसके ऊपर फिनिशिंग करके ताला लगा के आप जब बाहर आते हो ना 5 मरले के पोर्शन पे, या डबल पोर्शन भी करो तो कम से कम 1 करोड़ अबव लग जाता है आपका 5 मरले के घर में। जी जी, ये 5 मरले फुल लाश किस्म का घर, फुल ताला लगा के या लॉक लगा के जब आप बाहर आते हो ना, अच्छा, उस इसकी प्राइस ये 1 करोड़ प्लस लग जाता है आपका आराम से 5 मरले में। और इसमें प्लॉट की कीमत अलग है, प्लॉट की कीमत अलग है, वो जो 1.5 करोड़ रुपए का 5 मरले में बैरिया में जो कम से कम है या 1.5 से अबव हो गया है उसकी कीमत अलग है। आप कम से कम भी सोचो ना 5 मरले को बनाने के लिए 2.5-3 कहीं भी नहीं गया आपका, 10 मरले का तो बजट बहुत ऊपर चला जाता है, यानी इस जगह पे, इस जगह पे ठीक है। और 10 मरले ये ट्यूलिप ब्लॉक है, ये ट्यूलिप ब्लॉक है, अच्छा, तो ये बैरियर टाउन का ट्यूलिप ब्लॉक है। और अगर यहाँ पे आप घर बनाते हो 5 मरले का, तो वो खिचत रूप के भी ना खिचत रूप के आपको 2 करोड़ रुपए का पड़ने वाला है भाई साहब, 2 करोड़ रुपए का पड़ने वाला है। तो बाकी अभी बहरहाल प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा टैक्स है, अभी बहरहाल जिनके पास पेमेंट्स हैं वो होल्ड रखो जब तक, आपको पता है ना फिर आगे आप समझ जाओगे गवर्नमेंट। हाँ ठीक हो गया भाई, जरा थोड़े से ना कॉन्फिडेंशियल किस्म की बात कर गया, भाई चाहता है कि यार अभी मैंने छापा ना पैजे काले डाले ना आगे बच जान मेरे दफ्तर पे, तो गवर्नमेंट के बारे में इस किस्म की वो बात नहीं करना चाह रहा। खैर मैं तो भाई हैरान रह गया हूँ, मैं सोच रहा था कि 2-3 कमेटियाँ आपके भाई की निकली थी, तो मैंने सोचा यार 3.5 लाख खाली कमेटी उतों चुके थे, 7 लाख खाली उतों चुके थे, 5 मरले था मैं प्लॉट ले लवा, लेकिन ना भाई साहब नहीं, कोई चांस नहीं है, कोई सीन नहीं है भाई साहब, यह गल सुन सुन के ना मैंने तो लग गई है भुख, तो यार हम तुमने समोसे खवा यार कैसा जुलम किया है मेरे दोस्त ने यार, इतनी प्यारी प्यारी जगह दिखा दिखा के उसके बाद ये देखो किधर ले आया, कंधे वाले में ले आया यार, सारा मेरा मूड खराब कर दिया, ये देखो सारा मेरा मूड खराब करके रख दिया, मैं किन ख्वाबों में किन जगहों पे पहुंच चुका था कि यार मेरा यहाँ पे सपनों का महल होगा, तजिया उड़ा के रख दिया हर शायद ही मेरी नाले याद ले बो में लेके आ गया बो में। लो यार अब दोस्त के ऑफिस में पहुंच चुके हैं, बड़ी ज्यादा प्यास लग गई आज बिरयानी मसाले वाली खा के, उसके अलावा समोसे शमोसे खा के तो बड़ी प्यास लग गई है, तो यार अब पानी शानी पीते हैं। हाँ तेरा मोबाइल मेरे पास है, अपने दोस्त का बत्ती ना बंद कर, अब यार लाइट ना बंद कर यार, अपने दोस्त का शुक्रिया यार, क्या बत्ती है, अपने दोस्त का शुक्रिया भी अदा करते हैं यार भाई, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने आपने हमें टाइम दिया, आपने आपने हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की, आपने मिलेगी तुझे क्या कह रहा है, ये सेलिब्रिटी नहीं मिलेगी तुझे कहीं पे भी, गाइस चेक करें सेलिब्रिटी चेक कर लो पहले, सेलिब्रिटी ये देखिए प्यारी वाली सेलिब्रिटी, ये तुझे कहीं नहीं मिलेगी, मामा की परी है, मामा की परी, ये सेवियों के ऊपर दही डाल के खाने वाली कौम है, ईद वाले दिन ये सेवियों के ऊपर दही डाल के खाने वाली कौम है, गुजर दही है मुझे मामा ईद यार मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मजे की चीज दिखाता हूँ, ये नीचे देख रहे हैं पानी गिरा हुआ, ये पानी गिरा हुआ देखा आपने यार, ये मेरे दोस्त की हरकतों की वजह से ना, मेरे दोस्त की हरकतों की वजह से सारा पानी मेरे मुंह से ही बाहर निकला है इस तरह करके। अच्छा यार उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो यार इतना तो आपका फर्ज बनता है कि प्लीज़ आप यार इस वीडियो को देख के लाइक भी करो और इसके ऊपर कमेंट भी करो, यार आप सिर्फ देख के भाग जाते हो ना, आप वीडियो को लाइक करते हो ना, आप वीडियो को कमेंट करते हो ना, आप आगे अपने दोस्तों को रिकमेंड करते हो मेरे चैनल को, यार मैं नया नया यूट्यूबर हूँ भाई साहब, सपोर्ट करोगे तो यार मुझे भी काम करने का मज़ा आएगा, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई मैं फिर दौड़ जाना है। ओके गाइस भाई को सब्सक्राइब करने के साथ साथ भाई को दें आप इजाज़त, भाई जाता है अपने घर, लभ रहे होंगे कि मुंडा कितने वारा कर दिया करन निकले है, टाइम से जाएं अपने घर, अपने घर वालों को बताएं कि अपनी शक्ल दिखाएं, उनको बताएं कि हम किधर निकले हुए थे, उनको हिसाब किताब दें, तो भाई भी रवा आप भी हमें दें इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अपने दोस्तों को खुश रखिएगा, खलके खुदा में खुशियां बांटते रहिएगा, अस्सलाम वालेकुम।